बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा भदाणी ने पहले चरण की केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के बाद में अब पुलिस की टीम केदारनाथ दूसरे चरण की यात्रा को लेकर तैयार है, ये बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद में अत्यधिक बारिश के चलते यात्रा मार्गों पर भूस्खलन के चलते आ रही दिक्कतों से भी निपटने में हमारी टीम जुटी हुई है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। होमगार्ड एवं पीआरडी के जवान भी हमारे साथ रहेंगे, वो भी यात्रा का कुशल संचालन करने के लिए वहाँ पर डिप्लॉय रहेंगे। साथ साथ इनको हम लगातार ब्रीफ भी कर रहे हैं और हमारे जो क्षेत्राधिकारी हैं वो भी वहाँ पर लगातार टीम से संपर्क किए हुए उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो है यात्रा का किस तरह से संचालन करना है। आपने देखा होगा कि इस साल मानसून में लगातार आपदा की स्थिति बनी हुई है और इससे यात्रा रूट जो है हमारा वो लगातार क्षतिग्रस्त भी हुआ है, तो उसको भी देखते हुए यात्रा जो है इस बार संपादन करने में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे रोड के चैलेंजेस हैं, तो उसमें भी हम फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं और ट्रैफिक के लिए भी एक प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है।